नवरात्रि में जलाते हैं अखंड ज्योति, तो इन नियमों का जरूर करें प्लान। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए। बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान अखंड दीपक जलाते हैं, ऐसे में माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अखंड दीपक जलाते के भी नियम होते हैं। आज हम आपको इन्हीं नियमों के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला नियम, अखंड दीपक को पीतल या फिर मिट्टी के दीपक में ही जलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दिया कहीं से टूटा हुआ ना हो। दीपक को जलाकर कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा दीपक को थाली या फिर चौकी पर रखना चाहिए। दीपक जलाने का दूसरा बड़ा नियम ये भी है कि आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दीपक बुझे ना। दीपक बुझे नहीं, इसके लिए आप जालीदार या कांच से बनी हुई चिमनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले दीपक में घी और तेल डालकर ही सोएं, इसे बार बार बदलना नहीं चाहिए। अखंड ज्योति को बुझाना शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि यह दिया बिना बुझे 9 दिनों तक जलता रहे। रुई की बाती का इस्तेमाल करने की बजाय कलावे की बाती का इस्तेमाल करें। दीपक की लौ को हवा से बचा कर रखना चाहिए, इसमें घी या फिर तिल का तेल डालते रहें, इसकी लौ को बढ़ाते रहें ताकि ये बुझे ही नहीं। अखंड दीपक केवल साफ हाथों से ही छूना चाहिए, इस बातों का विशेष ध्यान रखें। हमेशा ही जब भी दीपक को हाथ जलाएं, अपने हाथ अच्छे से धो लें और उसके बाद उसे अच्छे से पोंछ भी लें। इस दौरान केवल सात्विक भोजन ही करें। ये भी ध्यान रखें कि आपको भोजन का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन को पूरे तरीके से सात्विक रखें। इतना ही नहीं, 9 दिन पूरे होने पर अखंड दीपक को खुद से ना बुझाएं। ये बात बिल्कुल याद रखें कि अगर आपके 9 दिन पूरे हो गए हैं तो दीपक को ना बुझाएं, इसे आप अपने आप बुझने दें। दीपक को अगर आप खुद से बुझाते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है और इससे आने वाले समय में आपको बड़ी बड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो दीपक जलाने के ये कुछ नियम हैं जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने चाहिए। और अगर नवरात्रि के दौरान पर आप दीपक जला रहे हैं, ख़ास तौर पर अखंड दीपक, तो ये नियम आपको पूरे तरीके से फॉलो करने होंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप अपने चैनल मोक्ष के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी जानकारी ना छूट पाए आपसे।